22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मध्य प्रदेश से भी 5 लाख लड्डू भेजे गए हैं। महाकाल मंदिर में तैयार इन लड्डुओं से भरे रथ को भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रवाना किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महाकाल मंदिर के लड्डुओं की मिठास घुलेगी। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 लाख लड्डुओं से भरे 5 ट्रकों को अयोध्या रवाना किया, जो शनिवार को अयोध्या पहुंचेंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन लड्डुओं को प्रसाद के तौर पर बांटा जाएगा। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और इसमें सबसे ज्यादा खुशी बाबा महाकाल को होगी। साथ ही सीएम ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और एक तरह से आज का जो हमारा आयोजन है ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं गर्भगृह में जा रहा है तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते। वो आनंद तो भगवान महाकाल को सबसे ज्यादा होगा, ये उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जो भगवान की प्रसन्नता होगी। हम सब जानते हैं कि ये एक बार नहीं, उज्जैन और अपने मध्य प्रदेश की धरती से 2000 साल पहले भी यही घटना घटी। जाने अनजाने क्यों विवाद में बनाते, परमात्मा ही जाने। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, भगवान के प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे हैं। अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते और निमंत्रण ठुकराने के भाव लाते हैं। क्या दुर्भाग्य, परमात्मा ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता। लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी। अयोध्या भेजे गए ये वो लड्डू हैं जो बाबा महाकाल को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इनको बनाने में करीब 1 करोड़ का खर्च आया है। एक लड्डू का वजन करीब 50 ग्राम है। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। राम मंदिर का किसी भी कांग्रेसी ने विरोध नहीं किया है। शंकराचार्य जब इस घड़ी को शुभ नहीं बता रहे हैं तो बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों है। छोटे बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा नकारात्मकता फैलाई जा रही है। कांग्रेस और विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया हो, भगवान श्री राम के संदर्भ में विरोध किया हो। सिर्फ शंकराचार्य जो हमारे देश के 4 महान शंकराचार्य जो सनातन धर्म के रक्षक भी हैं और प्रहरी भी हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जब तक संपूर्ण निर्माण नहीं हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी बने 5 लाख लड्डू का वजन 2.5 क्विंटल है, जो 1 करोड़ की लागत से बने हैं और लड्डू से भरे ट्रक 20 जनवरी को अयोध्या पहुँच जाएंगे। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 22 जनवरी को हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। रामचरित मानस का आयोजन भी किया जाएगा। इसका आयोजन हर जिले में होगा। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राममय नजर आएगी। पार्टी चंदखुरी में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इसमें रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस दिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाएगी। 22 को कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन रहेगा और जिसको भी समय होगा वो अपनी आस्था है कहीं भी शामिल हो जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के हनुमान चालीसा पाठ को लेकर बीजेपी तंज कसने लगी है। डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति कर रही है। ये लोग बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाते थे, लेकिन जब चुनाव आता है तब कांग्रेस राम की शरण में चली जाती है। यदि भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, पर ये राजनीति ना करें इस नाम से
अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछें कि उन्होंने अयोध्या के आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। फिलहाल पूरा देश राममय है और राजनीतिक दलों का राम के नाम पर सियासत जारी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर राम के नाम पर वोट बैंक बटोरने के आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरकार के रडार पर मदरसे हैं। एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट दरअसल आई है जिसमें बताया गया कि 186 मदरसों में 2000 से ज्यादा बच्चे हिंदू शिक्षा ले रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए एक रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में मदरसे सरकार के रडार पर हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मदरसों में अगर मजहबी तालीम दी जा रही होगी तो वहां सख्त एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि मदरसों पर सरकार पैसे खर्च करती है, अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो ठीक नहीं किया जाएगा। अरे भाई, तो मदरसों में तो सरकार का पैसा लगा है भाई, क्यों नहीं देंगे तालीम हिंदू बच्चों को? क्यों नहीं देंगे तालीम भाई? मदरसों में तो सरकार का पैसा लगा है ना, इस्लाम की शिक्षा दी जा रही होगी तो वो गलत है। मदरसों में पढ़ाई जो कराई जानी चाहिए वो पढ़ाई कराई जानी चाहिए, उसको ध्यान भी करना चाहिए। कि सरकारी अनुदान प्राप्त हो न हो, कोई भी ऐसी संस्था हो जो कुछ एक तरफा अगर काम कर रही हो तो वो चीज़ें गलत होती हैं, उनको ठीक किया जाएगा। और दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मदरसे में कोई बच्चा पढ़ता है जहाँ पर सरकार का पैसा लगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मतलब वो अपन उसको टर्न करके उनको इशू बनाए ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो ये सरकार विष्णुदेव सरकार है भैया, ये समझ लेंगे। डिप्टी सीएम का ये बयान एनसीपीसीआर की इस रिपोर्ट के बाद आया, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के 186 मदरसों में 2000 से ज्यादा हिंदू बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर इन बच्चों को स्कूलों में शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। इन बच्चों को क्षमता के अनुसार उनके घर के पास स्थित स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और उनको शिक्षा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मदरसों में सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हों, उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विजय शर्मा जी को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की विजय शर्मा जी की सरकार है, वो लगातार मदरसों को बंद करने का कार्य कर रही है। केंद्र द्वारा मदरसा को मिलने वाली आर्थिक सहायता को वो उन्होंने खत्म कर दिया है और जो मदरसों में शिक्षक हैं वो आज आर्थिक रूप से किस तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं, किस तरह से वो दर दर भटक रहे हैं, वो जानकारी उन्हें पहले लेनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को भेजी गई जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम सरगुजा के मदरसों में पढ़ रहे हैं, जिसके बाद बस्तर और महासमुंद में। बता दें कि सारा हंगामा उत्तराखंड में मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के विवाद से शुरू हुआ। ये विवाद उत्तर प्रदेश पहुंचा तो वहां भी मदरसों में भी गैर मुस्लिम छात्रों की ज्यादा संख्या मिली। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने देश भर में आंकड़ा मांगा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ को लेकर भी ये खुलासा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जब आप सड़क पर निकलते हैं तो चारों तरफ कोचिंग सेंटर्स के पोस्टर नजर आते हैं। कहीं अच्छे नंबर से पास कराने की गारंटी होती है, कहीं अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी होती है। अभिभावक और बच्चे कोचिंग सेंटर के जाल में फंस भी जाते हैं। एडमिशन ले लिया जाता है, अच्छा खासा पैसा अदा कर दिया जाता है इस उम्मीद के साथ कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब परिणाम मन के मुताबिक नहीं आते तो फिर बच्चे कई बार ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि परिवार जो है वो तबाह हो जाता है, और वो है सुसाइड का कदम। पिछले कई सालों से ये खेल चलता आ रहा है, लेकिन अब सरकार ने इस पर ब्रेक लगाने की ठानी और आदेश दिए, एक नहीं कई, जिसमें सबसे पहला आदेश ये कि कोचिंग सेंटर 16 साल के कम उम्र के बच्चे का कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। फिर कैसा रहा रिएक्शन, कौन है खुश कौन है नाराज, आदेश में और क्या क्या है, देखिए रिपोर्ट। अब मनमानी नहीं चलेगी, भविष्य के साथ नहीं होगा खेल। सरकार ने ठाना बच्चों को है बचाना, कोचिंग सेंटर हो जाएं सावधान। हर रोज खबर आती थी सुसाइड की, कभी कोटा में छात्र ने खुदकुशी कर ली, कभी इंदौर में।
हर साल हजारों छात्र मौत के आगोश में जा रहे थे। वजह एक, बच्चों पर दबाव, दबाव कोचिंग सेंटर्स का, दबाव डबल सिलेबस का, एक स्कूल का दूसरा कोचिंग का। इस सुसाइड पर सरकार की पैनी नजर थी और आखिरकार सरकार की नजर से कोचिंग सेंटर वाले बच नहीं पाए। नया फरमान आया और वो फरमान नहीं माने तो सजा का भी ऐलान आया। क्या है ये फरमान, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कोचिंग संस्थानों पर सरकार का शिकंजा। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं, आदेश नहीं मानने पर 1,00,000 तक का जुर्माना। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। फरमान आते ही कोचिंग ग्वालियर की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी के नाला बनने के बाद बीते 20 साल से इसे टेम्स नदी बनाने के वादे किए जा रहे हैं। स्वर्ण रेखा में साफ पानी बहाने के लिए 20 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, लेकिन भूमाफिया अधिकारियों की जुगलबंदी के चलते आज भी यहां से बदबूदार पानी बह रहा है। नदियों की हालत पर कौन देगा ध्यान, लाइफलाइन नदी का हो जाएगा द एंड। ऐसे कई सवाल उस नदी को लेकर जो कभी ग्वालियर की लाइफलाइन कही जाती थी। ये वही नदी है जिसके पानी को हम पी लेते थे। आज हालत ऐसी कि नदी से सिर्फ बदबू आती है। ये वो नदी है जो शहर के पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करती थी, लेकिन अब ये नदी नहीं बल्कि नाले में तब्दील हो चुकी है। इसका अस्तित्व अब खत्म होने लगा है। ग्वालियर की शान माने जाने वाली ये स्वर्ण रेखा नदी और मुरार नदी की इस समय हालत इतनी ख़राब है कि इसमें गंदगी का प्रकोप होना, मच्छर पैदा होना, बीमारियां पैदा करना, इसमें जो आसपास यहाँ के लोग रह रहे हैं, जो क्षेत्रीय यहाँ का निवास है, वहाँ पर बदबू आना, इस तरीके की हालत स्वर्ण रेखा और मुरार नदी की इस समय हो गई है। कई योजनाएं बनी, दावे किए गए, स्वर्ण रेखा नदी को लंदन की टेम्स नदी की तरह बना दिया जाएगा। पैसे को पानी की तरह बहाया भी गया, कोई 1-2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों भी नहीं, पिछले 20 साल में 200 करोड़, लेकिन हालत आज भी नाले जैसी। 20 साल बीत गए, सपना पूरा नहीं हुआ। 8 साल पहले 50 करोड़ खर्च, साफ पानी और नाव चलाने के लिए हुए खर्च, साल 2000 में 46 करोड़ की योजना मंजूर, वाटर रिचार्जिंग योजना के लिए 38 करोड़ स्वीकृत, हरियाली के लिए 70 करोड़ की योजना, पिकनिक स्पॉट के लिए 40 करोड़ खर्च। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने पिछले 20 साल से स्वर्ण रेखा के कायाकल्प के नाम सिर्फ सपने ही दिखाए और उन सपनों से जनता के वोट हासिल किए, लेकिन हकीकत यह है कि नदियों की योजनाओं का रुपया बंदर बांट कर दिया गया। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी हो या मुरार नदी हो या वोट क्लब हो या तिघरा का पानी इनके अंदर आना हो, भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से जनता को लगातार सपने दिखा रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बीजेपी नदी के इस हालत का जिम्मेदार अधिकारियों के माथे जड़ रही है और अब नए दावे कर रही है। दावा यह कि केंद्र सरकार ने स्वर्ण रेखा पर 1,000 करोड़ रुपए कीमत का एलिवेटेड रोड बनाने का काम शुरू किया है। भविष्य में स्वर्ण रेखा को जल संरक्षण का मॉडल भी बनाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस को जो करना है उसको तो करना चाहिए और जनता भी ठीक बात को जानती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्वर्ण रेखा पर भी बहुत लगातार काम चल रहा है और शायद कांग्रेस ने वो सीन नहीं देखा जो पहले स्वर्ण रेखा का था, किस तरह नाला बन चुका था, कैसा उसका स्वरूप है। निश्चित तौर पर कोर्ट भी लगातार शासन को गाइडलाइन दे रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को फिर से हवा देने में जुट गए हैं। इससे ये साफ हो चुका है कि चुनाव में स्वर्ण रेखा नदी का कायाकल्प एक बड़ा मुद्दा रहेगा। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी और मुरार नदी के आसपास रहने वाले 5,00,000 से ज़्यादा लोग परेशान हैं। दरअसल ये दोनों नदियां गंदे नालों में तब्दील हो चुकी है। सरकारों ने इन नदियों के कायाकल्प के नाम पर
20 सालों में करीब 300 करोड़ से ज़्यादा का खर्च कर दिया, लेकिन ये दोनों नदियाँ अभी भी गंदे नाले से ज़्यादा सौंदर्यीकृत नहीं हो पाई है। यही वजह कि इस बार कांग्रेस ने इन दोनों नदियों के सौंदर्यीकरण में बीजेपी द्वारा घोटाला करने का मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठाने का ऐलान किया है। तो ये माना जा सकता है कि इस बार मुरार और स्वर्णरेखा नदी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होंगी। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बाईस जनवरी की शुभ घड़ी। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। प्राण प्रतिष्ठा पर नजर टिकी। श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। मोदी का कठिन अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा है।